राजनीति की रेखाएं कभी सपाट नहीं होती, इसमें हर पल नए मोड़ आते रहते हैं, इसलिए राजनीति के दिग्गजों के बयानों में भी हर बार साफ साफ बात नहीं मिलती। इसे तराशने की जरूरत होती है। अखिलेश यादव पर आज जब सपा की करारी हार को लेकर सवालों की बौछार हुई तो उन्होंने एक बार ये फिर कहा कि ये मौका सदस्यता अभियान पर बात करने का है। इससे पहले जब 1 जुलाई को अखिलेश यादव अपने जन्मदिन पर मीडिया के सामने आए तो उन्होंने हार की वजह पर बात करने की जगह योगी सरकार पर सियासी हमले किए और भाजपा को लैपटॉप चैलेंज दिया था। आज आखिर दो टूक सवालों पर अखिलेश यादव क्या बोलते दिखे, अब एक एक कर आप ये सुनिए। समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित कर करके काटा था, जो अभी हाल में फीता काटेंगे वो भी समाजवादियों की उपलब्धि पुराने साल की। उपचुनाव की करारी हार पर टूट गया अखिलेश का मौन। अब क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हार गए, क्या बड़े पैमाने पर बेईमानी अधिकारियों ने की थी चुनाव में, क्या नहीं की थी? वोटर लिस्ट से कटे नाम, इसलिए हुई सपा की हार। अगर आज हम कहें पॉलिटिकल एज ए पार्टी के हमारे वोट काटे गए तो वो ये इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित कर करके काटा था। इन एजेंसियों का, इन संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश का आरोप सरकारी इशारे पर अफसरों ने हटाया। ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग वोट डालने के लिए निकलने देंगे, लालच देंगे, पैसा बंटवाएंगे, शराब के ट्रक जाएंगे और वोट डालने गए तो ये हो जाएगा। रामपुर आजमगढ़ में प्रचार नहीं करने पर बड़ी सफाई। क्योंकि हमारी पार्टी के नेता संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव, और हमारे अपने पूरे संगठन पर और पूरी जनता पर भरोसा था। विधान परिषद चुनाव में हार की वजह धांधली को बताया। अरे आप नहीं जानते एमएससी कैसे जीते गए। भाजपा पर विरोधियों के पीछे ईडी लगाने का आरोप। अब पुराना उठा करके देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो या बीजेपी का आज जमाना है, जब कांग्रेस दिल्ली में थी तो वो ईडी या सीबीआई लगाती थी अपनी विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सपा अध्यक्ष का बुलडोजर पर अटैक। बुलडोजर केवल डराने के लिए है और कानून न मानने के लिए है। हार की जिम्मेदारी पर अखिलेश की गुगली। बात तो चुभेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।